आप उनको सिखाते हो? यस सर। कितने टाइम से सीख रहे हैं? अभी ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अपने एक महीना हुआ अभी तो आए हुए मेरे पास। जब मेरे पास आया था अकेडमी पे, तो मुझसे कह रहा था कि मतलब सर मुझे डांस सीखना है। तो मैंने उसको देख के, और एक अकेडमी और गया था, उसने उस अकेडमी वाले ने मना कर दी, मैं आपको डांस नहीं सिखा सकता। तो मैंने उसको ले लिया, मैंने उसको फ्री सिखा था उसको डांस। आपका नाम नहीं होगा इसमें, इसमें पूरे इंडिया का नाम होगा यार, जिस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं। जहां भी कहीं डांस कॉम्पिटिशन होगा, मुझे तो लगता है अगर इनका एक परफॉर्म बच जाए ना वहां पे, जितने भी वहां पे लोग बैठे होंगे ऑडियंस में, सबको एक इंस्पिरेशन मिलेगी। कराओ कराओ, कहीं पे रुकना नहीं है। हो सके तो जैक भाई है, फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, ये डांस कॉम्पिटिशन हुआ है इसीलिए हुआ है, ऐसे टैलेंट को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, हम जगह जगह क्यों जा रहे हैं यूपी में, बिल्कुल इसीलिए तो जा रहे हैं कि जगह जगह टैलेंट मिले, क्योंकि आजकल का क्या होता है, टैलेंट को कोई कदर करता ही नहीं, सब वहीं पे रह जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने डांस कॉम्पिटिशन निकाला जिसे कि सबको कलेक्ट कर पाए, जो थोड़ा टूट रहा है फिर से जुड़ पाए। ठीक है, बोलो कुछ। बहुत बड़ा सपना क्या है? ये तो सपना ही सा लग रहा है, सच होने वाला है जल्दी, बस ये है कि आपको टूटना नहीं है। ठीक है, मैं टूट रहा नहीं हूँ, मैं तो मेरे माँ बाप अलग ही बहुत गरीब इंसान, क्योंकि मेरे को इतना सपोर्ट नहीं कर सकते ना कपड़े से ना किसी से, मेरी हालत ऐसी है भी अगर कि मैं अभी पूछो सर जानते हैं वो तो मेरे हमने आपका परफॉर्म देखा, हम आपके हालत को पहचान गया। वो तो मैं डांसिंग तो अलग बात है, डांसिंग तो मैं कर रहा हूँ, मैं किस मजबूरी में और किस हालातों से गुजर गुजर के निकल रहा हूँ। मेरा रिक्शा बिगड़ गया था, मेरी ट्राईसाइकिल बिगड़ गई थी, मैं 15 दिन परेशान रहा था, इसलिए ट्राईसाइकिल 15 दिन पूछो सर बैरिंग वाली गाड़ी पर कैडी नहीं पा रहा था, गाड़ी तो मिली खराब हो गई थी। तो फिर मैं शो करके आया, मुझे वहाँ पैसे मिले, उन पैसों से मैंने गाड़ी बनवाई जब मैं यहाँ पे आया। चलो अभी हम लोग क्या सेमीफाइनल में जब काफ़ी में मिलेंगे तो ट्राईसाइकिल एक मेरी तरफ से। भाई जो डिवाइड टेक्नोलॉजी है, जो हमारे राज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने जो इसके ऑर्गेनाइजर है, जिन्होंने इस चीज को बनाया है, ये सब आप जैसे लोगों के लिए ही बनाया है। एक्चुअली बेसिकली जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें जीत और हार के लिए नहीं है ये कॉम्पिटिशन, ये केवल इसलिए है कि हम अलग अलग जगह से केवल और केवल टैलेंट को निकाल सके, और जब टैलेंट निकलेगा तो हमारे देश का नाम, हमारे शहर का नाम, हमारे घर वालों का नाम, हमारे यार दोस्तों का नाम, हमारे टीचर्स का नाम, हमारे साथ वालों का नाम, सभी का नाम आगे बढ़ेगा। ये केवल और केवल इसलिए है। और दिली तौर से बोलना चाहूंगा, एक और है जिनको मैंने पहले भी सपोर्ट किया था, और एक आप है, सेमीफाइनल में मुलाकात होगी, अपनी साइकिल वहीं पे होगी। क्या बात है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि सीधा डायरेक्ट सेमीफाइनल में, अभी तक मैंने किसी को सुना नहीं, हम 3-4 जगह ऑडिशन देने गए, किसी ने अभी तक दो नहीं, सीधा सेमीफाइनल, कोई नंबर नहीं, सेमीफाइनल के फाइनल में भी यार मिलोगे आप बहुत जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने एक चीज ये देखी कि हम अभी कितनी जगह ऑडिशन हुए, अभी कितनी जगह हम लेके आए ऑडिशन, ये पांचवी, हाँ 4 जगह हम ऑडिशन लेके आए। ठीक है, वहां पे क्या होता है, कंटेस्टेंट आता है, कोई बात नहीं, सब कुछ ओके है, ड्रेसअप से लेके सब कुछ डांस कर लेते हैं, उसके बाद जब कोई कमी होती है तो सर मेरा ये था, सर मेरा वो था, मेरा ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, लेकिन आपके परफॉर्मेंस यार कुछ ऐसा देखने को मिला ही नहीं, और आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी भाई बहुत ज़्यादा। मैं
यहाँ पे आया था बिल्कुल टेंशन फ्री आया था, मुझे ये वाला की टेंशन नहीं थी कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, मुझे इस बात की टेंशन नहीं थी क्योंकि मैं तो बस सो देना है और तुम्हारे सामने आप हारोगे ना जीतो जहां भी आप परफॉर्म करोगे ना सबके दिल जीत चुके होगे बिल्कुल आप, ठीक है। मुझे तो मजा आ गया बहुत, अब सैम सर कुछ बोलना चाहिए। योगेश देखो आपके अंदर एक ऐसी चीज है जो अभी तक किसी कंसिस्टेंट में दिखाई नहीं थी, क्या गॉडगिफ्ट या जो आपके हाथ के अंदर जो पावर है ना, वो आई थिंक यहाँ पे जितने भी बॉयज या गर्ल्स आई थिंक जितने भी आए हैं उनमें उनके हाथों में इतनी पावर नहीं है, और दूसरी बात आपका डर खुला हुआ है, आपने इतने बड़े बड़े शो करे हैं, मैं दिल्ली में आपको मिला भी हूँ एक दो बार बट आपने इतना देखा नहीं, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया, मैं आपसे यही बोलने वाला था कि हम कहीं मिले हैं। हाँ तो आप बाकी मैं भी विवेक करता हूँ, मेरे भी मैं भी इस बात को करना चाहता हूँ, मेरे भी हाथों में इतनी पावर नहीं है जितने हाथों में आपके पावर है, और बाकी सेमीफाइनल में आप फाइनल में भी पहुंचोगे ये भी याद रखना। जिन्होंने समझा वही इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन मैन मतलब कि आपको देख के ना बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे सीखेंगे कि यार मैं यार मैं क्यों हटूं पीछे, एक मोटिवेशन होती है ना कि लेवल ऐसे बनने का। तो भाई आपने पावर मूव्स इतने सारे किए, अब डांसिंग के ऊपर आते हैं, आपने कुछ मूव्स किए जो कि वर्ल्ड फेमस है, पीबॉय जूनियर के नाम से वर्ल्ड फेमस ब्रेकिंग करता है, तो उसके मूव्स थे आपके पास, तो उस मूव करने के लिए बहुत पावर चाहिए होती है जो कि आपके अंदर गॉड गिफ्टेड है, तो उस गॉड गिफ्टेड पावर को आप अच्छे तरीके से और यूज कराइए ताकि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सके। तो मैं ये चाहूंगा कि आप बहुत आगे जाओ।